हेलो गाइस, वेलकम टू टेक टॉयज अगेन। आज जानेंगे आप किस तरह से आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको आना है NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे। उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद एपिक डाउनलोड पर क्लिक करना है। जिस तरह आपने एपिक डाउनलोड पर क्लिक किया, उसके बाद आपको आपका एपिक नंबर डालना होगा। मैं अपना पेस्ट कर देता एपिक नंबर। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में ये है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा और सर्च पे क्लिक कर दूँगा और ये नाम आ जाएगा। जिनका वोटर आईडी होगा उनका पूरा नाम आ जाएगा, पूरे डिटेल्स आ जाएंगी कौन सी असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एक OTP आएगा। फटाक से मैं अपना OTP देख लेता हूँ और एंटर करता हूँ। एक 6 डिजिट का OTP होगा, उसे आपको एंटर करना होगा। मेरे केस में 2022485। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे मैं क्लिक करूँगा। OTP वेरीफाइकेशन डन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको एक कैप्चा डालना होगा। डाउनलोड EPIC पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए पूरे PDF फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा आपके साइड में इस तरह से। इस पर क्लिक करना है मुझे। ओपन व्हेन डन पे क्लिक करता हूँ मैं। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। आपका नाम पूरा यहाँ पे QR कोड होगा। डाउनलोड डेट नीचे लिखा होगा। यहाँ नाम जिसका वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ब्रांड है, यही है आपका वोटर आईडी कार्ड। चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।